Hello, bachcho, most welcome, very very good afternoon and most welcome to your very own favorite channel Classic Part. तो बच्चों मैं हूँ सोनम सूदन, मैं हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर. तो आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ डिटर्मिनर्स. सो हम लोगों ने लिटरेचर जो है क्लास सेवन्थ की CBSE की कंप्लीट कर ली है, उसके सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आप लोगों ने उसकी वीडियोस भी देख ली होंगी. तो अभी हम जो हैं आज करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में. नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर डिटर्मिनर्स, वेयर डू वी नीड देम इन ग्रामर, वेयर डू वी यूज देम एंड इनके एग्जांपल्स. लेट्स चेक आउट ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स. ओके बच्चों, सो बिफोर वी गो अहेड यू ऑल कैन एस स्कूल एग्जाम विद एन अकेडमी टू प्लस सब्सक्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू बाय अ सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड SOS10. Then, bachcho, most welcome. I am Sonam Sudhan, your English educator. So, you are most welcome to my session. Just a second. Okay, very sorry for that. So, bachcho, Unacademy Class 6 ka jo Telegram channel hai, iska link description box mein hai. और इसको आप join करें बच्चों, definitely join करें ताकि आपको हर एक session का latest update मिलता रहे. देन बच्चों इज बग्स बाउंटी. अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. देन इज अनअकैडमी आस्क डाउट. घर बैठे बैठे अनलिमिटेड डाउट्स पूछने का आपको मौका मिलेगा और आपको जवाब में मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी. हाउ डू यूज आस्क डाउट, गो टू द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क डाउट, फिर उसके बाद में अपने डाउट का एक पिक्चर क्लिक करें, पिक्चर क्लिक करने के बाद में सब्जेक्ट मैच करें और फिर क्वेश्चन भेज दें. विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट एंड लर्न अबाउट डिटर्मिनर्स. चलो, सो डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स. तो सबसे पहले आज बेसिकली डिटर्मिनर्स में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. The term determiners covers several class of words which include definite and indefinite articles, the demonstratives and adjectives of infinite number and quantity, numerals and possessives. So basically, बच्चो determiners जो होते हैं उसमें आपके articles cover हो जाते हैं, आपके adjectives cover हो जाते हैं, right? So determiners जो होते हैं they identify or specify a noun in various ways. For example, making it definite. तो basically determiners जो होते हैं ना बच्चों वो आपके nouns को, फिलहाल let's concentrate on articles. आपको बाकी determiners के बारे में भी बताएंगे going forward. तो determiners जो होते हैं ना वो आपके आपके जो nouns होते हैं उनको थोड़ा सा और specific बनाते हैं, उनको थोड़ा सा और define करते हैं. For example, the child, या फिर अगर आपको इनडेफिनिट करना है तो अ चाइल्ड. तो डेफिनेट और इनडेफिनिट, तो आपके आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनिट, ठीक है. फॉर ओके, बाय इंडिकेटिंग क्वांटिटी और अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मेनी चिल्ड्रन, दीज थ्री चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन. सो जैसे मैंने आप लोगों को बोला बच्चों की जो आपके डिटर्मिनर्स होते हैं वो या तो उसमें आर्टिकल्स कवर होते हैं जो आपके नाउन को स्पेसिफिक या जेनरिक बनाते हैं, डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाते हैं, या फिर आपके एडजेक्टिव्स भी कवर अप होते हैं जो कि बेसिकली बताते हैं कि आपके नाउन मतलब कितने हैं, क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है. फॉर एग्जांपल मैनी चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन, थ्री चिल्ड्रन, ठीक है. तो इस तरीके से आपकी क्वांटिटी या अमाउंट बता रहे हैं आपके नाउन का. तो किसी ना किसी तरीके से वो आपके नाउन के बारे में और बता रहे हैं जो आपके डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं, अ, एन और द. अ और एन जो होते हैं वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इनको इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं. एज दे आर यूजली इन डेफिनेटली बिफोर काउंट, एज दे आर यूज इनडेफिनेटली बिफोर काउंटेबल कॉमन नाउन्स सिंगुलर नंबर्स. तो यानी कि जो भी काउंटेबल आपके कॉमन नाउन्स होते हैं उनमें जो सिंगुलर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, ठीक है. सो इस तरीके से डॉग आपका काउंटेबल नाउन है और उसमें डॉग मतलब उसमें डॉग आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे आप अ यूज करोगे. तो अ इज़ यूज विद नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सनेंट्स और कॉन्सनेंट साउंड्स, वेयर इज एन इज यूज विद वाउल और वाउल साउंड्स. तो ये तो हम सबको पता ही है. तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ये याद रखोगे कि अ और एन जो हैं, ठीक है, माई गॉड आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली हियर, नेवर माइंड. सो अ और एन जो हैं वो बच्चों आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. एग्जाम्पल देखें आप,
अ मैन एन एग, तो ई जो है वो आपका वाउल साउंड है, एन आवर, तो ई वैसे तो ई आपका वाउल है बट आवर जो है वो आपका वाउल साउंड है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर एन आवर यूज हुआ है, हालांकि एच आपका वाउल नहीं होता। अ यूनियन, तो यहाँ पे य जो है, तो आपका यू यू जो है वो आपका एक यू नो वाउल है बट यहाँ पे अ यूनियन यूज हुआ, एन यूनियन यूज नहीं हुआ, बिकॉज जो ये साउंड दे रहा है दिस इज ए कॉन्सनेंट साउंड। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, तो द जो होता है ना वो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है बिकॉज वो एक पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल दी अम्ब्रेला, दैट इज दी अम्ब्रेला आई वॉन्ट, तो अम्ब्रेला अगेन बच्चों यू है लेकिन हमने इसके साथ में एन यूज नहीं किया। दिस इज दी होटल वेयर वी स्टे, दी काउ गिव्स अस मिल्क, तो बेसिकली जो द है ना बच्चों वो आपका, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आपका बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन या चीज के साथ में यूज होता है। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूज ऑफ अ, तो इट इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगेनिंग विद ए कॉन्सनेंट, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहा है आपका वर्ड तो हम अ यूज करेंगे, अ बॉय अ गर्ल अ टेबल अ ईयर। देन इट इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगेनिंग विद ए कॉन्सनेंट एज, अच्छा ओ सॉरी ये सेम लाइन दो बार आ गई, इट इज यूज, हाँ करेक्ट, इट इज यूज बिफोर द वर्ड वन दैट बिगिन्स विद कॉन्सनेंट साउंड ऑफ वॉज एज अ वन आईड मैन, अ वन रुपी नोट, ठीक है, तो अ यहाँ पे जो है वन आईड मैन, तो यहाँ पे अगेन बच्चों याद रखें, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो अ है वो वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे कॉन्सनेंट होगा या कॉन्सनेंट साउंड होगी। फॉर एग्जाम्पल ओ जो है ये आपका एक यू नो वाउल में आता है लेकिन हम इसके साथ में अ यूज करते हैं एंड यूज नहीं करते। इट इज यूज बिफोर सच यू वेर इट साउंड एज यू, सो अगेन यू जहाँ पे वो एक कॉन्सनेंट साउंड देगा वहाँ पे हम अ यूज करेंगे एंड यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए बच्चों वाउल या कॉन्सनेंट लेटर्स नहीं होते हैं, दे आर साउंड्स, रिमेंबर दैट। सो जहाँ पे भी कोई भी लेटर वाउल साउंड देता है वहाँ पे हम एन यूज करते हैं, कोई भी लेटर जब कॉन्सनेंट साउंड देता है तो हम उसमें साथ ए यूज करते हैं। चलो अब हो गया एन को हम कहाँ यूज करेंगे, इट इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगेनिंग विद अ वाउल, अगेन लाइक आई टोल्ड यू वाउल से जो वर्ड्स शुरू होते हैं उनके साथ में एन यूज होता है, या फिर वो वर्ड्स जो वाउल की साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन एयरप्लेन, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स जो जैसे ए ई आई ओ यू, एन अम्ब्रेला, लेकिन हमेशा हर एक यू वर्ड के साथ में लाइक आई टोल्ड यू एन यूज नहीं होता। देन इट इज यूज विद लाइक आई टोल्ड यू कॉन्सनेंट साउंड से जो यूज होगा, ठीक है, कई बार ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनकी साउंड वाउल होती है तो वहाँ पर भी हम एन यूज करते हैं, एन एम पी, एन एम एल ए, एन एफ आई आर, एन एम एस सी, एन एक्स रे, तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये चाहे आपके कॉन्सनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन ये साउंड हमेशा वाउल की रहते हैं इसलिए यहाँ पर एन यूज हुआ। चलिए अब हम द के बारे में पढ़ते हैं, इट इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, ठीक है, तो आप यूजुअली एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के साथ में यूज करते हो। दी स्टूडेंट्स ऑफ दी क्लास, यानी कि किसी को आपको बहुत ही स्पेसिफिक बनाना है ना, बहुत ही पर्टिकुलर बनाना है तो उसके साथ में आप द यूज करो। डिड रीटा गेट दी जॉब शी अप्लाइड फॉर, दिस इज दी बॉय आई मेट यस्टरडे, दी बॉय, लेट अस गो टू दी पार्क, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक किसी चीज को बनाने के लिए द यूज करोगे। फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर क्लास या काइंड इंडिकेट करें, जैसे दी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो आप यहाँ पे एक डॉग की बात नहीं कर रहे हो, आप इन जनरल सभी डॉग्स की बात कर रहे हो। दी हॉर्स रन्स फास्ट, दी टाइगर इज यंग, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर क्लास की बात, मतलब इन जनरल आप सभी डॉग्स, सभी हॉर्सेस, सभी टाइगर्स की बात कर रहे हैं, तो भी आपने यहाँ पे द यूज किया है। नाउ लेट्स चेक आउट, इट इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ them, you know, which are very unique basically. The sun shines in the sky, the earth moves, the moon is round, the world is beautiful.
ये सन, यू नो, अर्थ, मून, ये सब स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इसलिए इनके साथ में हमने द यूज़ किया. अब इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, डेट्स एंड मंथ्स. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट एक डायरेक्शन है, उसके साथ में यूज हुआ. नाउ आई जॉइन माई जॉब ऑन द नवम्बर, ऑन द 10th of November, तो स्पेसिफिक डेट है उसके साथ. तो बेसिकली बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करें, द को हम यूजली किसी चीज़ को बहुत स्पेसिफिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ द मेन रीज़न कि वाई द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल एंड अ एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, देन इट इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सुपरलेटिव क्या होती है? थर्ड डिग्री. सो रमन इज़ द बेस्ट बॉय. अब अगेन सुपरलेटिव आप किस चीज़ के साथ में डिग्री यूज करते हो? जो सबसे बेस्ट, मतलब इट्स लाइक क्लास अपार्ट. जैसे हमारा चैनल है क्लास अपार्ट, उसके साथ में यू नो दैट्स ऑल्सो द बेस्ट चैनल. तो उसी तरीके से जो भी आपको, जो भी चीज़ आपको बेस्ट लगती है उसके साथ में हम तो यूज़ करते हैं. उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ अगेन सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री होती है, उसके साथ में आप द यूज़ करते हैं. Then it is used before the names of oceans, rivers, gulfs, seas, mountain ranges, islands. So again, very specific things, oceans, rivers, ye sab bahut specific cheeze hain, inke sath mein aap the use karte ho. For example, Patna is situated on the bank of Ganga, on the bank of the Ganga. Indian Ocean, the Indian Ocean is lying on the south of India. Theek hai, the Andamans lie in the east of India. The Persian Gulf countries have become wealthy. The Bay of Bengal lies in the west of India. Okay? Chalo. Now, the is used before koi important nation, koi specific nations ya fir races ke naam ke pehle bhi use hota hai. Now, the Indians are found in almost all the countries. The English exploited the Indians. Toh ye race hui, the English, English race hai. इंडियंस भी रेस हैं, इंडिया के लोग उनको इंडियंस कहते हैं, इंग्लैंड के लोग उनको इंग्लिश कहते हैं. दी मुस्लिम्स कीप फास्ट ड्यूरिंग दी रमज़ान. सो ये अगेन फेस्टिवल का नाम है रमज़ान, और मुस्लिम्स एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का नाम है, इसलिए हमने वहाँ पे द यूज़ किया. नाउ इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, रिलीजियस बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स. अगेन समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक. आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली न्यूज़पेपर का नाम है, बहुत स्पेसिफिक है, तो इसलिए यहाँ पे द यूज हुआ है. दी रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज. तो अगेन रामायण स्पेसिफिक चीज़ है, हिंदूज अगेन एक पर्टिकुलर यू नो कम्युनिटी ऑफ पीपल है, इसलिए वहाँ पे द यूज हुआ है. दी ताज इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी. दी टाइटैनिक गॉट इट्स ट्रेजिक एंड. तो यहाँ पे जितनी भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके साथ में द यूज. चलिए, इट इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. To make them common as Kalidas is the Shakespeare of India. तो यहाँ पे आप comparison कर रहे हो, right? That is why हमने the Kalidas नहीं बोला, हमने बोला the Shakespeare. तो यहाँ पे हम proper noun के साथ में तो इसको use कर रहे हैं, लेकिन use कब कर रहे हैं? जब हम एक comparison draw कर रहे हैं. ठीक है, so here it is. He is the Tagore of Hindi poetry. तो यहाँ पे ही इज़ दी टैगोर. तो यहाँ पे टैगोर किसी का नाम है. अब इस चीज़ को एक जेनरिक चीज़ बनाने के लिए, एक एपिटमी बनाने के लिए हमने यहाँ पे द टैगोर यूज़ किया है. दी वाटर ऑफ दिस वेल इज़ फ्रेश, दी गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर. तो अगेन स्पेसिफिक बनाने के लिए, यानी कि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर गोल्ड स्टैंडर्ड चीज़ से, तब आप उसके साथ में द यूज़ करो. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी यूज़ होता है. रहमान प्लेज द हारमोनियम, रिचा प्लेज द वॉल्यूम. इट इज़ यूज बिफोर द इन्वेंशंस. इन्वेंशंस जो होती हैं उनके पहले भी यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल द टेलीफोन इज़ वेरी यूजफुल. हु इन्वेंटेड द रेडियो, तो ये बहुत ही मतलब यू नो इन्वेंशंस के पहले, मतलब अगेन स्पेसिफिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ है, इसीलिए द यूज़ हुआ. Then before the parts of body, he got injured in the head, the rod hit him in the back. तो अगेन यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के साथ में भी आप यूज़ कर रहे हो.
इट इज़ यूज बिफोर द पोलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट, राइट? अगेन पोलिटिकल पार्टीज, वॉट इज द नेम, देयर नेम इज अ स्पेसिफिक, इट्स इट्स अ प्रॉपर नाउन, दैट्स व्हाई वहाँ पे द यूज हुआ, ठीक है? अब आपको दी आर्ट जो आर्टिकल है वो आपको कहाँ पे नहीं लगाना है, आर्टिकल इज ओमिटेड, ओ ये दो बारी हो गई ये लाइन, तो आर्टिकल को कहाँ नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन के साथ में, सभी प्रॉपर नाउन्स के साथ में आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, जैसे किसी कंट्री के नाम के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, ठीक है? बट इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कोई ऐसी कंट्रीज विच आर अ कंग्लोमरेशन ऑफ, यानी कि एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, उसके साथ में हम द लगाते हैं, जैसे हम द यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हम बोलते हैं, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके साथ में द लगाते हैं, लेकिन इंडिया के साथ द नहीं लगता, बिकॉज इंडिया इन इटसेल्फ इज़ वन, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे सभी नामों के साथ में द नहीं लगेगा, बट वी से दी पंजाब, दी यूएसए, दी डेकन, तो यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके साथ में हम द यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको समझा। अब आर्ट्स एंड साइंस, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, आई लाइक पेंटिंग, अब सब्जेक्ट्स के आगे आप यूजली नहीं करोगे unless you are drawing a comparison. For example, I can say that you know, biochemistry is the science of dentistry, you can say that. Then I say example, right? Okay, names of materials, so material ke naam ke saath bhi nahi lagate hain, her saree is made of, ab aap ye nahi bologe the cotton gold is, the gold is costly, no. The tree of Assam is very popular. यहाँ पर हमने द क्यों यूज़ किया एक्सेप्शन में, क्योंकि आप स्पेसिफिकली आप असम की चाय की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ में भी द यूज नहीं होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप ये नहीं बोलोगे द ऑनेस्टी इज यू नो, उसके साथ में आप ऑनेस्टी के साथ में द नहीं लगाओगे। देन हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, ये नहीं बोलोगे द हेल्थ इज बेटर देन द वेल्थ, यू डोंट से दैट, ठीक है जी? सो बच्चों ये था छोटा सा आपका टॉपिक डिटरमिनर्स के बारे में, आई एम श्योर आप लोग इसके बारे में और भी पढ़ना चाहते हो, तो जल्दी जाओ अपनी सब्सक्रिप्शन करें ताकि आप लोग अपनी एनसीईआरटी का पूरा पूरा एक्सरसाइज कर सको, ठीक है? तो दो साल की सब्सक्रिप्शन 25,000 18 महीने, 20,000 15 महीने, 18,000, और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. Then, bacho, what's the what are the features of iconic subscription? All the features of plus, uske saath mein personal mentor, live dot solving session, weekly report card, parent connect and study plan. The mostly price, 2 saal 48,000, 18 months 35,000, 15 months 32,000. For this price, per 10% discount using my code SOS10. And don't forget to use my code SPSO10 to unlock free special classes and free test series on the Unacademy app. Bye bachcho, remember my code SOS10, like, share and subscribe, bye bye, love you all.